छत्तीसगढ़ के सुकमा में बड़ा नक्सली हमला, सेना के 7 जवान शहीद हुए, 10 गंभीर घायल, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सुकमा में हुए नक्सली हमले को चुनौती करार दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि नक्सलियों से निपटने के लिए सीआरपीएफ तैनात की गई है, इसके बावजूद अगर और को ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ी तो वो भी तैनात की जाएगी। वहीं पाकिस्तान में मुंबई हमले के मुख्य आरोपी लखवी की रिहाई पर राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध खराब होंगे। मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण के एक में कदम और आगे बढ़ी है अखिलेश सरकार, आज पिलर कैंप लगाने की शुरुआत करेंगे सीएम अखिलेश यादव। ट्रांसपोर्ट नगर में सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम का आयोजन। भारत और फ्रांस के बीच शस्त्र समझौतों पर लगी सहमति की मोहर, रक्षा से लेकर परमाणु ऊर्जा और रेलवे तक में दोनों के साथ चलने की चर्चा। पीएम मोदी के फ्रांस के साथ किए गए समझौतों के तहत भारत अमेरिका से 36 लड़ाकू विमान खरीदेगा, इस फैसले पर कांग्रेस ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी के खुलासे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बोस के परिजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों से खुलासे की मांग करेंगे। सुभाष चंद्र बोस के जासूसी मामले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर बोस जी की जासूसी हुई थी तो क्या इस बात की जानकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं थी। बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने एक बयान देते हुए कहा किसी भगवान या सरकार का भरोसा ना करें। वहीं इस बयान पर विवाद होने के बाद गडकरी ने कहा कि उनके कहने का मतलब था कि किसान को पूरी तरह से सरकार और भगवान के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने शनिवार को इटावा तहसील में सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन सहित 86 कार्यों का लोकार्पण किया, जिनमें से 14 करोड़ की लागत से बनने वाली 22 सड़कें शामिल हैं। सूबे में अपनी सियासी जमीन गंवा चुकी कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भूमि अधिग्रहण बिल के नाम पर किसानों को अपने पक्ष में लगाने में जुटी हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस बिल के विरोध में 19 अप्रैल को दिल्ली में विशाल रैली करने जा रही है। एक दिवसीय दौरे पर अपने पैतृक गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया ने किसानों की फसलों का भी जायजा लिया और किसानों को एसडीएम से बात करने का और मुआवजा दिलाने की बात कही। बरेली में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से तबाह हुए किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बरेली के सतपुर गांव का है, जहां बरकत अली नाम के एक शख्स की सदमा लगने से दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जालौन में एक किसान की सदमा लगने से मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी और एसडीएम ने किसान दुर्घटना बीमा के अंतर्गत किसान के परिवार को आर्थिक मदद दिलाने का भरोसा दिया है। जालौन के कटहा गांव में एक परिवार को दबंगों के डर से गांव के बाहर रहना पड़ रहा है। दरअसल दबंगों ने सहमे इस परिवार ने पीड़िता से छिड़काने का विरोध किया था, इस पर दबंगों ने लड़की के भाई इसरार की जमकर पिटाई कर दी। साथ ही दबंगों ने पूरे गांव को बाहर से निकाल दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस दर्ज किया। संभल में संजीव बालिया ने किसान नेता को मंच से धमकाया, किसानों का विरोध देखकर आपा खो बैठे मंत्री जी। मंच से मंत्री जी ने हरपाल सिंह को ललकारते हुए कहा कि जितने लोगों को लेकर तुम आए हो उतने लोग मेरे यहाँ हक्का भरते हैं। मेरठ में बीजेपी एमएलए संगीत सोम के पिता ने गुंडागर्दी के बाद दिखाई धौंस, सूख का खौफ दिखाकर पीड़ित ठेकेदार पर बना रहे समझौते का दबाव, बड़ा सवाल, इतनी हवालियत के बाद भी अब तक होमगे की क्यों नहीं की गई गिरफ्तारी। जौनपुर पुलिस ने भी सड़क पर दिखाई गुंडाई, बैंक के सामने बाइक खड़ी करने पर रिटायर्ड जवान ऐसे की राजभूतों से की पिटाई, बड़ा सवाल, के दोषी पुलिस वालों पर होगी कार्रवाई। बदायूं में बुजुर्ग दंपति के मर्डर मामले में अभी तक खाली हाथ है पुलिस, मुठभेड़ में मारे गए बेटे के लिए न्याय मांग रहे मां बाप की हत्या से उठे कई सवाल, क्या एनकाउंटर, किस से हत्या कनेक्शन। फतेहपुर में सदर कोतवाली के बड़े लच्छेवाला इलाके में 2 सराफ व्यापारियों की बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे गुस्सा व्यापारियों ने जिला अस्पताल में बाहर जाकर शव रखकर जाम किया और पुलिस चौकी में जमकर तोड़फोड़ की। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार रोडवेज ने पीलीभीत बस्ती हाईवे पर बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। फतेहपुर में जानी गांव में विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है, जहां गांव के कुछ लोग सीधे साधे लोगों से अनीश नाम का शख्स अपने भाई और बीवी के अकाउंट में पैसे डलवाता और जब भी रकम 2 लाख हो गई तो अनीश अपने परिवार समेत गायब हो गया।